Good morning, dear students. Welcome back again to our class of chemistry plus one. So last class में हमने आपसे discuss किया था about the two important terms. एक चीज थी uncertainty in observation और दूसरा क्या था? दूसरे थे आपने क्या discuss किए थे? Precision and accuracy. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे about one more new term and that is significant figures. आपने ये देखा था लास्ट क्लास में कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाती है या इनएक्यूरेसी उतनी ही कम होती है और एक्यूरेसी बढ़ती है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जर्वेशन में टोटल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, उसको बोलते हैं known as number of significant figures. ठीक है, for example, अगर हमारे पास कोई observation 3.756 gram, तो in this 3.756 gram total number of digits कितनी है? 4. माना कि जो last 6 था ये कैसा था? That was uncertain. लेकिन यहाँ पर total number of significant figures हमारे पास कितनी हो गई? 4. तो किसी भी ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए जाते हैं. वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहली बात, ऑन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. किसी भी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, चाहे वो कहीं भी हो, वेदर डेसिमल के राइट में, डेसिमल के लेफ्ट में, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इस एग्जाम्पल के केस में देखा था 3.75 सारी नॉन डिजिट्स सारी सिग्निफिकेंट. क्लियर हो गया? दूसरा रूल क्या है? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर ये जीरोस कोई दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? दे बिकम सिग्निफिकेंट. जैसे आप एक एग्जाम्पल लो, हम यहाँ पर केस ले सकते थे, सपोज वी हैव नंबर 5.0075. तो इन दिस केस आपके पास दो जीरोस हैं, लेकिन ये दो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इससे दे आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 and 5. तो हेयर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जीरोस जो कि डेसिमल प्लेस के राइट में हैं, जो डेसिमल प्लेस के बाद लगाए गए हैं, वो सारे क्या हैं? दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस केस में एग्जांपल लीजिए, से वी हैव 10.0 ग्राम, तो 10.0 ग्राम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3. ठीक है, इस नंबर को हमें जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड करेंगे. दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, लाइक वी हैव 759.0 मीटर, तो इस 759.0 मीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1, 2, 3 and 4. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. इसी नंबर को अगर ऐसे लिख दिया जाता से 759.00, तब क्या हो जाता? तब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. तो जैसे जैसे आप डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाते जाओगे, वो सारे जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते जाएंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, वो जीरोस जो कि पहली नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. जीरोस टू द फर्स्ट ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द नंबर 0.0075 सेंटीमीटर, तो इन दिस टर्म ऑल द थ्री जीरोस ये पहली नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. क्लियर?
तो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे हम अपने एक लेमैन टर्म्स में या मैथ्स में हम बात करते हैं अभी, कि डेसिमल के बाद आप चाहे जितने जीरो लगा दीजिए उनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन डेसिमल्स का मीनिंग, इन जीरोस का मीनिंग होता है. आपने देखा यहाँ पे कि इस केस में जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, वेन इट इज 759.0, देन सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने थे, चार. जब ये हो गया 759.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी ज्यादा होती हैं, इनएक्यूरेसी या अनसर्टेनिटी उतनी ही कम होती है. तो सिंपली बाय एडिंग द जीरोस, डेसिमल के बाद अगर हम जीरो लगाते जाते हैं तो डेसिमल के बाद जीरो लगाने से हमारे ऑब्जर्वेशन में सर्टेनिटीज या एक्यूरेसीज बढ़ती रहती है और अनसर्टेनिटी कम होती रहती है. ठीक है. अनदर रूल जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेकिन अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, समझे आप कि ये जीरोस किसी नॉन जीरो डिजिट के राइट में तो जरूर है, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं है, तो फिर ये जीरोस सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ भी सकते थे या नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर होता से 75,000, सो इन दिस 75,000 जो थ्री जीरोज हैं, द थ्री जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. तो ऐसे केस में इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर्स के फॉर्म में, और फिर इनको पावर्स के फॉर्म में लिखने के बाद जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं. तो इस 75,000 को आप साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे एज 7.5 इंटू 10^4. तो अब इस एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगी वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू में, और अब आप कह सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, नाउ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. क्लियर. तो वेरी सिंपल टर्म्स जो आप यूज करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आप उठा के देखें लास्ट ईयर के कुछ प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के पेपर, तो आपको इस सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं. वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और क्या मेथड होने चाहिए हमारे अपने सही आंसर्स को कोट करने के, एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर. क्लियर. सो हैप्पी रीडिंग, एंजॉय, एंड goodbye till now. Thank you.